हेलो गाइस, तो मैं इस वीडियो में आपको कोई टेक्नोलॉजी का और ज्ञान नहीं बांटने वाला। तो हुआ क्या था, मैं रिसेंटली एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था क्योंकि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुई थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस पर बेस्ड आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा बताए हुए फैक्ट सब सही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उससे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हुआ क्या, मैं एक दिन गाड़ी से आ रहा था और मेरा गाड़ी एक पेड़ से टकरा गया। आपको तो पता ही होगा, मेरी तो बिल्कुल लग पड़ी और मुझे इस बदसूरत से हॉस्पिटल में 2 रात 3 दिन बिताने पड़े। आपको लग रहा होगा मेरी हालत कुछ इस तरह हुई होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। 2 दिन में मैं एकदम फिट हो गया। ज़रूर छोटी मोटी क्रैचेस तो आई थी, लेकिन जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मैम। और बात के 2 दिनों के लिए आ रहा है कसम से। घर पर बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि खाली बैठने से अच्छा एक यूट्यूब वीडियो ही बना लेते हैं। पूरे हॉस्पिटल में बस आपको मेरा ही बेड सोने लायक मिलेगा। अगर आप दूसरे बेड्स की तरफ गलती से भी देख ले तो आपको ऐसा फील होगा कि अगर आप रानू मंडल के साथ फुटपाथ में सो रहे होंगे तो वो भी इस बेड से अच्छा है। बस इन्हीं की कमी थी, इन्होंने आकर तो मेरे इस 3 दिनों में एक नया फ्लेवर लगा दिया है। इसे सुन सुन कर मेरी पूरी रात की नींद उड़ चुकी है। ये बोल कर आए थे कि इन्हें गैस की प्रॉब्लम है। जो पहला बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बाथरूम के बारे में, जो बाहर एक बोर्ड लगा है, कृपया करके शौचालय के गमले में केले के छिलके, कपड़े के चिटरे मत फेंकिए। तो इधर पर जो है ना फेंकिए का ना मिट गया है। अरे यार, ऐसे ही करते रहे तो जल्दी ये तो कबार खाना बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं तो पानी का स्पीड बहुत है, लेकिन गधा का भी घोड़ा नहीं होता। इस बात का यकीन आपको ये देखने पर हो जाता है। देखिए, आशा करता हूँ हो चुका होगा। मेरा जो बेड था ना, वो एकदम बाथरूम के जस्ट ऑपोजिट में था। इस गंदे बाथरूम के बदबू से मैं 2 रात सो नहीं पाया। और ऐसा कहा जाता है कि इस बाथरूम्स में रात को भूत निकलते हैं। तो चलिए मैं आपको इसी हॉस्पिटल के कुछ दूसरे बाथरूम्स दिखाता हूँ। देखिए ये सब लग्जरी बाथरूम्स है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि ये सब बस स्टाफ के यूज़ के लिए है। अरे भाई, स्टाफ के लिए इतना फैसिलिटी और हम लोग के लिए ये। वाओ यार वाओ, अपर क्लास लोग वाले भी कितने लकी होते हैं यार। इनके रूमों में टीवी से लेकर हीटर, एसी सब कुछ लगा रहता है, लेकिन क्या करे, पैसा ही नहीं है, इसलिए हम लोग को फैन से काम चलाना पड़ता है। ओ सॉरी, अभी तो विंटर है, फैन भी नहीं काम करेगा। मेरे ये 3 दिन बहुत ही अच्छे गुजरे, लेकिन ये और भी अच्छे हो सकते थे अगर इसमें कोई लड़की मिल जाती तो। लेकिन इधर पर लड़कियों का दिखना बहुत ही रेयर है, कभी कभी विजिटर्स में मिल जाते थे। लेकिन एक जहाँ पर हमेशा एक लड़की बैठी रहती थी वो है नर्स रूम। तुझे देखा तो ये जाना सनम।
अगर आप पूरा हॉस्पिटल चेक करेंगे तो आपको बस मेरा डस्टबिन में खाने का चीज गिरा हुआ मिलेगा और दूसरों का सब डस्टबिन खाली रहता है क्योंकि वेस्टेज इधर फैला हुआ नहीं है, क्योंकि जो जो चीज़ वेस्ट होता है या कोई खाता नहीं है उन सबको खाने के लिए इधर पर बिल्ली रखी गई है, या रखी गई नहीं, खुद खुद ब खुद आ चुकी है और ये उनका अच्छा एक दावत है।